बुंदेलखंड मालवा के ग्रामीण क्षेत्रों में सावन माह में किया जाता है लोक नृत्य लहंगी। अच्छी फसल की कामना के साथ ईश्वर की आराधना का माध्यम है यह लोक नृत्य, जहाँ पर मानव के स्वाभाविक उमंग उत्साह को प्रदर्शित करते हुए नृत्य किया जाता है। मूलतः ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा किया जाता है लहंगी नृत्य। इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं और एक प्राथमिक ढपला और साथ ही में झांझ मंजीरे इसके वाद्य यंत्र हैं। फसल बोने के बाद किसान फ्री हो जाता है और सावन में खेत हरे हो जाते हैं और हरे खेत देखकर किसानों का मन खुशी से भर जाता है और इसी खुशी का प्रदर्शन वह लहंगी नृत्य करके करता है। लंबी तान में गाकर ईश्वर से फसल अच्छी हो ऐसी कामना की जाती है। समाज जाति वर्ग की विषमताओं को भूल कर और एक रंग हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं और समग्र समाज को एकत्रित करने के लिए, आनंद उत्सव बनाने के लिए यह लोक नृत्य किया जाता है, गायन किया जाता है। लंबी आवाज खींचकर उसे लहंगी बोलते हैं और जिस पर नृत्य किया जाता है उसे लहचारी बोलते हैं। जैसे बानखों निकल चले, निकल चले दोनों भाई रे, बानखों निकल चले, ये लहचारी लहंगी नृत्य है। खासतौर से युवा वर्ग को इसमें आगे आना चाहिए, बुजुर्गों से सीखना चाहिए। गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले कम हो गए, नई पीढ़ी में ये परंपरा जिंदा रहे, इसके लिए पंचायत स्तर पर, नगर पालिका, नगर पंचायत के स्तर पर, शासन स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए। नृत्य ग्रामीणों में अधिकतर होती है और परंपरागत से सावन के महीना में ये लहंगी होती हैं और सावन के महीना में के पहले असाल में लोग अपनी बोनी करके निर्मित हो जाते हैं, अच्छी फसल आए, इसलिए ग्रामीणों में कृषक बंधु भगवान का भजन करने के निमित्त नाच गान करके और नृत्य करके लहंगी का कार्य। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिरोन से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।